चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। 31 रुपया तक सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, 1 जुलाई से देश में बदल गए कई नियम। अब सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिन में मिलेगी। जियो एयरटेल वोडाफोन के रिचार्ज भी होंगे महंगे। इस महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 3 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन कामकाज नहीं। अंग्रेजों के बनाए कानून से निरस्त हुए नए अपराधी कानूनों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, बोले अब दंड की जगह मिलेगा न्याय। 77 साल बाद न्याय व्यवस्था स्वदेशी हुई। कहा अंग्रेजों ने भारत में राज करने के लिए अपने हिसाब से कानून बनाए थे, वहीं अब इनमें बदलाव कर इन्हें जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों से बोले, आप हिंदू नहीं हिंसक है। मोदी ने टोका, हिंदुओं को हिंसा कहना गलत। राहुल ने दिया जवाब, आप पूरा हिंदू समाज नहीं। आज से 2% तक महंगी हुई टाटा की कमर्शियल गाड़ियां, हीरो ने कुछ टू व्हीलर्स के दाम 1500 तक बढ़ाई, लागत बढ़ने के चलते लिया फैसला। राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे, मोदी के जिक्र के बाद भड़के गृह मंत्री अमित शाह का। विपक्ष कहता है कि हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं। कहा यह बात बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रोहित के संन्यास के बाद कौन होगा भारत का अगला T20 कप्तान, पांड्या की दावेदारी सबसे मजबूत, पंत सूर्या और बुमराह भी रेस के घोड़े पर सवार। यूपी के लखनऊ में माना अखिलेश यादव का जन्मदिन, 52वें बर्थडे पर 52 लाख पेड़ लगेंगे, किन्नरों ने उतारी सपा प्रमुख की नजर। देश के 25 राज्यों में आज बारिश के रेड अलर्ट, महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर मगरमच्छ, लोनावाला में डैमेज, 5 लोग बहे, जून में 11% कम बारिश। रामलला की पुजारियों के लिए नए ड्रेस कोड लागू, पीताम्बरी चौबंदी धोती और सिर पर साफा, 5 घंटे की शिफ्ट में करेंगे सेवा। देश में बदल गई IPC की धाराएं, चोरी मानहानि पर करनी होगी नालों की सफाई, साइबर अपराध पर तो मृत्युदंड। पुराने कानून में गुलामी की बू आती थी, न्याय संहिता लागू होने पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में उपनिवेशवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किए। ICICI बैंक में अब मिलेगा FD पर ज्यादा ब्याज, फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.75% तक का रिटर्न, नई ब्याज दरें लागू। लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाई भगवान शिव की तस्वीरें, बोले हम विपक्ष में हो रहे भगवान शिव से प्रेरणा लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे, शिव जी से प्रेरणा मिलती है कि हम सत्य को स्वीकार करेंगे। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु कार्ड से इलाज बंद, 200 करोड़ की पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों का फैसला, 1 करोड़ लोगों को देना होगा बिल। तुम मत बोलो तुम्हारे पिताजी की वजह से तुम्हारी इज्जत करता हूँ, सदन में गुस्साते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इसके लिए PM मोदी और गृह मंत्री जिम्मेदार। टीम इंडिया को 125 करोड़ देगा BCCI सेक्रेटरी JSR ने किया बड़ा ऐलान, कहा टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया, वहीं रनर अप साउथ अफ्रीका को 10 करोड़ रुपए मिले। 11 महीने बाद राज्यसभा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, CM केजरीवाल का जिक्र कर बोले, वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली फ्री की, पानी फ्री, माँ बहनों को फ्री यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया काम किया। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण, हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट पर बोले मोदी ने 2 बार, राजनाथ ने 3 बार खड़े होकर टोका। नया मुल्ला बन गए चंद्रशेखर आजाद, कांवर और ईद पर दिए बयान के बाद भड़के बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा, कहा अगर वो ऐसा सोचते हैं कि सनातन का विरोध करके दलितों का वो बड़ा नेता बन जाएंगे तो ये उनकी भारी भूल। ICC ने घोषित की T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, 11 प्लेयर्स में 6 भारतीय शामिल जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी शामिल, विराट कोहली को जगह नहीं। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षी अधिनियम हुए लागू। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही दिल्ली भोपाल में पहले FIR दर्ज, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सांसदों को सस्पेंड कर जबरन बिना बहस के पारित किए गए कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में तैनात अधिकारी के साथ 43 लाख का फ्रॉड, जमीन दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठता रहा शातिर। 3 नए आपराधिक कानून का कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस। लाडली बहनों को 3000 नहीं 1250 ही मिलेंगे, डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पहले बजट में बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं, कोई नई स्कीम नहीं। शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मर्डर पर 302 नहीं धारा 101 लगेगी, आज से लागू नए क्रिमिनल कानूनों को जानिए।
कालकी ने 4 दिन में 555 करोड़ रुपए कमाए। हनुमान को 50 साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। हिंदी कलेक्शन भी 100 करोड़ पार। इस बार विपक्ष की ऐसी टोली आ रही है जो हर बात पर वॉकआउट करती है। विपक्षी हरकतों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा तंज, बोले हर बात पर विरोध करना अराजकता की स्थिति पैदा करना, अध्यक्ष की गरिमा को तार तार करना और हर बात पर विपक्ष का वॉकआउट करना दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष को चुप कराने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने संसद भवन परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। आरएसएस के इशारे पर बदल रही है एनसीईआरटी की किताबें, अपॉइंटमेंट से लेकर सिलेबस तक दे रही है दखल। कांग्रेस ने लगाए बड़े आरोप। नया आपराधिक कानूनों के बाद 30 दिन में आना चाहिए फैसला, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कही बड़ी बात। हरियाणा में कर्मचारियों की 8% सैलरी बढ़ी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान, साथ ही टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की सेवा कॉन्ट्रैक्ट में भी बढ़ोतरी की। राज्यसभा में पीएम मोदी पर शायराना अंदाज में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। राजस्थान में 100 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री संजय शर्मा बोले पृथ्वी को बचाने के लिए पूरी दुनिया को ऐसा संकल्प लेना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर नेहा सिंह राठौर का विवादित बयान, क्रिकेट प्रेमियों से लेकर खिलाड़ियों तक पर भड़की भोजपुरी सिंगर, बोली क्रिकेट के ओवरडोज ने युवाओं की बुद्धि खराब कर दी। उन्होंने आगे कहा कि शाह के लड़के को यूं ही सचिव नहीं बनाया गया था। सोना चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट, 10 ग्राम सोना 71,626 पर, वहीं चांदी 88,000 के नीचे आई। आईपीएल से रिटायरमेंट के लेने के बाद दिनेश कार्तिक बने आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर फ्रेंचाइजी ने किया बड़ा ऐलान। अब मिलेगा सरस ब्रांड का गाय का दूध, तड़का छाछ गाय का दूध पुदीना छाछ भी होगी लॉन्च। जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने कहा शुगर फ्री वनीला 90 ml आइसक्रीम भी होगा लॉन्च। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार। लोकसभा में हार के बाद पंकजा मुंडे को दिया टिकट। इस साल विधान परिषद की 11 सीटों पर होगा चुनाव, इस सीटों पर 12 जुलाई को होगा मतदान। वाराणसी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लगाए शाखा सिगरा कार्यालय में भौतिक स्तर, राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से मांगा समय। नीट यूजी पैटर्न में हो सकता बदलाव, जेई मेंस की तर्ज पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम का प्रस्ताव, सरकार ने मेडिकल कमीशन को रिपोर्ट भेजी। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, गैस सिलेंडर के दामों में 30 रुपये की आई कमी, लागू हुई गैस की नई दरें। देश के नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भाई के पैर छुए, गार्ड ऑफ ऑनर मिला। चीन सीमा विवाद पर बोले सेना हर चुनौती के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के बारामूला आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, पुलिस ने 2 चीनी ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए। एमबीए साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, एनसीपी शरद पवार बोले गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पर्यटन की भारत में अपार संभावनाएं हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले आरएसएस शाखा लगाए, हम पीरिय पेड़ लगाएंगे, गांव गांव होगी जड़ें मजबूत। अनुप्रिया के लेटर का भाजपा को बचाने का दिखावा कर रही। दिल्ली वालों को जल मिलेगी, जल भराव से राहत, एक्शन मोड में केंद्र सरकार, जल निकासी के बाद प्रगति मैदान टनल में यातायात शुरू। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकता बदलाव, नए पुजारियों को गर्भगृह की पूजा का जिम्मा मिलेगा, छत टपकने पर हुई थी तनातनी। झारखंड विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी, प्रत्याशियों के नाम पर जल्द होगा मंथन। यूपी के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने नए आपराधिक कानूनों के लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा ये कानून गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं, इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं हुई। नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया, 67 से घटकर 61 हुए टॉपर्स। एनटीए ने 813 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड भी जारी किए, 3 जून को 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था री एग्जाम। संसद सत्र का 6ठा दिन, राहुल गांधी ने लोकसभा में की नीट पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले राष्ट्रपति का अभिभाषण जनवरी वाले संबोधन की नकल। क्या संविधान में लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से आप किसी भी राज्य में शरिया कानून लगा सकते हैं। महिला की बेरहमी से पिटाई पर भाजपा नेता कंगना रनौत ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, बोली इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना चाहिए। नीट पर बवाल के बीच बसपा प्रमुख मायावती बोली समाधान निकालना बहुत जरूरी, सख्त कदम आवश्यक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द के लिए दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, जज ने पूछा राहुल विदेशी है कहां से पता चला। लखनऊ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं को लगाई फटकार, कहा भाजपा कार्यकर्ता हो इसे क्यों छुपाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सीएम दिवंगत वसंतराव नायक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की, कहा केंद्र को लिखेंगे चिट्ठी।
आप डरिए मत सर, पीएम मोदी से बोली टीएमसी सांसद महुआ मित्रा, कहा लास्ट टाइम हमें बोलने नहीं दिया गया, एक हमें बिठाने के चक्कर में जनता ने आपके 63 सांसदों को बिठा दिया। चलिए अब जानते हैं आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरों को विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुए लागू। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही दिल्ली भोपाल में पहली FIR दर्ज। चिदंबरम बोले सरकार ने मौजूदा कानून बिना बहस ध्वस्त किए। जी हां, देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए। इन्हें IPC 1860, CRPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। साहब बोले अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा, साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। देश में 22.5 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ट्रेनिंग, 12,000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स ने दिए। लोकसभा में 9 घंटे चर्चा हुई, उसमें 34 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, उसमें 40 सदस्यों ने भाग लिया। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में सबसे पहला केस ग्वालियर में दर्ज हुआ, इस बात की जानकारी शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि FIR मोटरसाइकिल चोरी की थी, हालांकि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि नए कानून के तहत पहली FIR दिल्ली के कमला पार्क थाने में रेडी वाले के खिलाफ, पूर्व भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सरकार ने मौजूदा कानून को बिना बहस किए खत्म कर दिया, नए कानूनों में और बदलाव किए जाने चाहिए ताकि उन्हें संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सके। गौरतलब है कि चिदंबरम इन दिनों कानून की जांच को लेकर बनाई गई संसद की अस्थायी समिति के सदस्य थे, लेकिन नए कानून में कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं, हमने उनका स्वागत किया है, उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन कुछ कई विपरीत प्रावधान भी है जो अवैधानिक। चिदंबरम ने आगे कहा, संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई, बार एसोसिएशन न्यायाधीशों और वकीलों ने कई आर्टिकल और सेमिनार में नए कानून की कमियां गिनाई, सरकार ने इनके भी परवाह नहीं किए। कांग्रेस नेता ने कहा कि शुरुआती असर ये होगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, बाद में अदालतों में कानूनों को कई चुनौतियां दी जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता, सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिनों में मिलेगी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज भी होंगे महंगे। जुलाई महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आज से 31 रुपए तक सस्ता हो गया है। तो वहीं आप फोन पे, क्रेडिट बिल डेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए 7 दिनों का इंतजार करना होगा, पहले ये तुरंत मिल जाती थी। आज से हीरो मोटरकॉर्प की गाड़ियां भी महंगी हो गई है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की कीमत 1500 रुपए तक बढ़ा दी है। वहीं अब दिल्ली में 30 रुपए घटकर 1646 रुपए हो गए हैं, पहले ये 1676 रुपए में मिल रहे थे। हालांकि 14.2 kg वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में ये 803 में और मुंबई में 802.50 पैसे में मिल रहा है। सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक सेंट्रलाइज बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस होंगे। इसके लिए बैंकों को BBPS कंप्लायंस इनेबल करना होगा। अभी तक कुल 34 में से 8 बैंकों ने ही BBPS कंप्लायंस इनेबल किया है। इन 26 बैंकों में HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक भी शामिल है। राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे, मोदी के जिक्र के बाद भड़के गृह मंत्री अमित शाह, कहा विपक्ष कहता है हिंदू ऐसा करता है, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं। ये बात बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। शायद वे नहीं जानते कि इस देश में करोड़ों लोग से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि हिंदू ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा यह बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस्लाम में भी अभी मुद्रा को लेकर इस्लाम के जानकारों का मत वो ले ले, गुरु नानक देव जी के अभय मुद्रा पर भी वो गुरुद्वारा कमेटी से मत ले ले, अभी
की बात करने वाले इन लोगों ने इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को भयभीत किया। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख साथियों की हत्या इमरजेंसी के दौरान हुई। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपने संबोधन को लेकर माफी मांगनी चाहिए। इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू डर हिंसा नफरत नहीं फैला सकता, लेकिन बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। उन्होंने आगे कहा कि कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया। अयोध्या से शुरू करते हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिला। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से खड़े हुए और बोले कि नेता प्रतिपक्ष बार बार तस्वीर दिखाकर नियमों को तोड़ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपातकाल में उन्होंने पूरे देश को भयभीत किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रही है।